पति के रहते पत्नी देवर के साथ अवैध संबंध में इस कदर पागल हो गई कि सूटर्स की मदद से पति की ही हत्या करवा दी। घटना बीते 15 अगस्त की है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए शूटर एवं पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि देवर से अवैध संबंध में पति रुकावट बन रहा था, जिसके बाद पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग पत्नी ने रच डाली। इस घटना को अपने देवर की मदद से अंजाम भी दिया, लेकिन पुलिस के आगे इनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। हत्या की यह जो घटना है बिहार के लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गौरा गांव से सामने आई है। घटना हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सुशील कुमार ने बताया कि बीते 15 अगस्त को देर शाम हलसी थाना क्षेत्र के गौरा के बहियार में सुरेंद्र यादव की अज्ञात अपराधियों ने 4 गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 3 नामजद एवं 2 अज्ञात लोगों पर मृतक की पत्नी FIR दर्ज करवाई थी। इस वारदात के बाद एसपी सुशील कुमार ने SDPO रंजन कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया, तब जाकर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। SP ने बताया कि मृतक की पत्नी का उसके देवर से अवैध संबंध पिछले 10 वर्षों से चलता आ रहा है। इस अवैध संबंध में पति सुरेंद्र यादव बाधा बन रहा था। इसी को लेकर के पत्नी गुलफुल देवी ने सुपारी देकर पति को रास्ते से ही हटा दिया, जबकि मृतक की पत्नी के द्वारा मृतक के भांजे के द्वारा लड़की भगाने में हत्या की बात कह 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह मामला पूरी तरह से गलत पाया गया। SP ने बताया कि इस मामले में पत्नी गुलफुल देवी के अलावा शूटर सुनील कुमार मिस्त्री उर्फ कंप्यूटर, रुदल दाढ़ी एवं मृतक के भाई रविन्द्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।